नए व्यूअर्स जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों आलिया भट्ट का नाम कौन नहीं जानता। पिछले दिनों सुशांत केस हो जाने के बाद नेपोटिज्म की जो आंधी चली थी उसी आंधी की चपेट में कहीं ना कहीं आलिया भट्ट आ ही गई थी, क्योंकि उनकी नई मूवी सड़क 2 का जब ट्रेलर आया था तो उस पर फैंस ने किस तरह से नाराजगी जाहिर की थी उस ट्रेलर को डिसलाइक देकर, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ना सिर्फ आलिया भट्ट बल्कि पूरा भट्ट परिवार इस चपेट में आया था। दोस्तों मीडिया इनसे जुड़ी हर बात पता लगाकर इनके फैंस तक पहुंचाने का काम करती है। मीडिया के जरिए ही हमने आज तक उनकी माँ पिता और बहन के बारे में जाना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट इन लोगों के भाई के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनके फैमिली वाले ही अपने इकलौते बेटे को पसंद नहीं करते, जबकि महेश भट्ट अपनी तीनों बेटियों पूजा, आलिया और शाहीन को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। महेश भट्ट ने दो शादियां की। पहली शादी उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड लोरियन ब्राइट से की थी, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया था। दोनों के दो बच्चे हैं, पूजा और राहुल भट्ट। राहुल भट्ट फिटनेस ट्रेनर हैं और बॉलीवुड से दूर रहते हैं, जबकि उनके पिता महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय फिल्म निर्देशक हैं और वो चाहते थे कि उनका ये बेटा उनके बाद उनके काम को संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपने अक्सर महेश भट्ट, आलिया, पूजा या शाहीन भट्ट को एक साथ घूमते फिरते देखा होगा, लेकिन उन्हें आपने कभी भी अपने बेटे के साथ नहीं देखा होगा। इसके पीछे एक गहरी वजह है जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। दोस्तों राहुल भट्ट एक फिटनेस ट्रेनर हैं और साल 2002 में उनका नाम टेररिस्ट डेविस हेडली के साथ जुड़ा था और उस टेररिस्ट के साथ राहुल के अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स थे, जिसके बाद पूरे परिवार ने राहुल से तौबा कर ली। इसके अलावा साल 2002 में ही उन्हें पूजा के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर शौरी के साथ कथित रूप से मारपीट के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों इसी तरह की और भी कई खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ सेलेब्स फॉर स्टाइल में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।